वेलकम टू हाइड आउट वेज। तो आज हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, आज मैं आपको ये पार्सल खोल के दिखाने वाली हूँ। ये वाला जो पार्सल है ये मुझे मेरे पापा मम्मी ने भेजा है इंडिया से। तो बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा बहुत पॉपुलर होता है, ये एक बहुत पॉपुलर फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, और इसे बहुत ग्रैंड वे में सेलिब्रेट भी किया जाता है। और थ्रू आउट द ईयर कुछ भी, जितना भी ड्रेसेस और जितना भी शॉपिंग हम लोग करते हैं वो तो रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा में जो शॉपिंग होता है वो थोड़ा स्पेशल शॉपिंग होता है, जिसे हम लोग स्पेशली पूजोर बाजार कहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग दुर्गा पूजा के टाइम हम लोग इंडिया जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर भी नहीं जा पाए थे क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे, और इस बार भी हम लोग नहीं जा पाए। तो इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए ये पार्सल भेजा है। इसमें मेरे लिए कुछ गिफ्ट है दुर्गा पूजा के लिए, मेरे लिए कुछ गिफ्ट है, तो मैं उसे अभी खोलने वाली हूँ। तो ये है, तो सबसे पहले दिव्येंदु के लिए एक कुर्ता पजामा। तो मैं इसको, इसका जो प्रिंट है मैं वो आपको क्लोजली दिखाऊंगी, सबसे पहले मैं निकाल लूँ क्या क्या है। तो ये कुर्ता पजामा है, और ऐसी एक साड़ी जो मैंने मेरे मम्मी पापा को कहा था कि मुझे ऐसी एक साड़ी चाहिए, ये एक्चुअली एक काथा स्टिच साड़ी है, तो ये वाली साड़ी है। तो जो साड़ी है वो ऐसी वाली साड़ी है, ये काथा स्टिच वर्क इसे कहते हैं। मेरे पास ऐसी नहीं थी, मैंने उनको कहा था कि मेरे लिए एक ऐसा भेजने के लिए, तो उन्होंने ये वाला भेजा है। और उसके साथ मेरी बहन ने एक ग्रीटिंग भी भेजा है, इसे मैं बाद में पढ़ती हूँ। और ये जो है ये है कुर्ता। तो ये कुर्ता का, इसकी वाला जो है इसे शायद शांति निकेतन प्रिंट कहते हैं, ये वाला जो प्रिंट है इसे शांति निकेतन प्रिंट कहते हैं। तो यही वाला हमको चाहिए था, तो पापा मम्मी ने वही वाला भेजा। तो ये था मेरा फर्स्ट गिफ्ट जो दुर्गा पूजा में पापा मम्मी ने भेजा है। तो मुझे एक और ड्रेस खरीदनी है, जिसे लेने के लिए मैं जाऊंगी मीना बाज़ार, और मैं वहाँ की भी एक छोटी सी वीडियो करूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दुबई में अगर आपको एथनिक वेयर खरीदना है तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो आ गए हैं हम लोग मीना बाज़ार में, और ये है पूरा बाज़ार। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, ये एक लेन है, ऐसे बहुत सारे, ये एक लेन है, ऐसे बहुत सारे लेन हैं। और इस एरिया में अगर आपको इंडियन पाकिस्तानी सूट लेना है तो यहाँ पर, इवन टर्किश, तो ये ट्रेडिशनल वेयर के लिए ये वाला जो एरिया है ये बहुत अच्छा है। तो ये यहाँ पर आपको सारे ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो दुबई में गोल्ड शॉपिंग के लिए तो गोल्ड सूक है, यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर आप गोल्ड शॉप करना चाहते हैं तो आप गोल्ड सूक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको, अगर आप मीना बाज़ार में भी आते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे गोल्ड शॉप है, तो यहाँ से भी आप गोल्ड शॉपिंग कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर इंडियन शॉप्स काफ़ी ज़्यादा है, जैसे मालाबार, दमास, जॉय लुकर्स, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको गोल्ड शॉप्स मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। ये पूरा एरिया जो है ये मीना बाजार का एरिया है, और हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो हम लोग आ गए हैं मीना बाजार में, और मीना बाजार जो एरिया है ये इंडियन शॉपिंग के लिए बेस्ट है, एथनिक वेयर के लिए ये है बेस्ट डेस्टिनेशन। तो अगर आपको कोई भी एथनिक वेयर खरीदना हो, मेल फीमेल, यू कैन गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग हियर इन मीना बाजार। देखे, कुछ और शॉप्स देखना है हमको, लेकिन उससे पहले थोड़ी भूख लग गई है। अभी बजे हैं 3:30, तो हम लोग अभी आए हैं मीना बाज़ार मिनी पंजाब में। तो यहाँ पर मीना बाज़ार में एक और अच्छी चीज़ है कि आपको बहुत वैरायटी और बहुत वाइड ऑप्शन मिल जाते हैं इंडियन फूड अगर आपको ट्राई करना है, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस। हम लोगों ने ऑर्डर दिया है रुमाली रोटी, बटर मिल्क है, और बटर टिक्का मसाला, और सलाद तो नॉर्मल। और लंच इज डन, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं कुछ रिमेनिंग शॉप्स।
चुका है और मैंने जो सूट ख़रीदा है मैंने उसे स्टिचिंग के लिए दे दिया है। तो आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।